कंपैरिजन तुलना तो कंपैरिजन तुलना तुलना करने की जो आदत है एक इंसान में ही पाई जाती है और किसी भी जीव में किसी भी वनस्पति जगत में पाई नहीं जाती है। आपने कभी देखा भी दो जानवर आपस में तुलना करते हैं क्या गधा घोड़े से तुलना करता है क्या घोड़ा गधे से तुलना करता है क्या घोड़ा गधे के पास जाकर के कहता है यार तू तो बिल्कुल छोटा सा है तेरे से तो भागा ही नहीं जाता है मुझे देख मैं कितना ताकतवर हूँ इतना भागता हूँ क्या करता है ऐसा कोई जानवर नहीं करता अब देखो कोई वनस्पति जगत में कोई फूल दूसरे फूल से तुलना करता है क्या कभी गुलाब कमल के फूल को जाकर के कहता है देख कहाँ कीचड़ में फंसा हुआ है आजा मेरी तरह गमले में खिलते हम दोनों तो क्या कमल गमले में खिल पाएगा अगर कमल गुलाब की बात मान भी ले क्या वो कमल कमल रह जाएगा वो तो कीचड़ में ही खिलेगा तो गुलाब और कमल की तुलना नहीं हो सकती कमल कभी गुलाब को कहता है देख तू छोटा सा है ऐसे कांटों में गिरा रहता है कीचड़ में दोनों खिलेंगे तो क्या गुलाब खिल पाएगा तो इसी तरह से दो चीज़ों के बीच में तुलना नहीं हो सकती और ख़ास बात यह कि दो चीज़ें इस दुनिया में एक जैसी है ही नहीं कोई भी दो चीज़ें एक जैसी नहीं है दो वृक्ष इस दुनिया में एक जैसे नहीं है एक वृक्ष के हजारों लाखों पत्ते होते हैं दो पत्ते एक जैसे नहीं मिल सकते दो पत्ते एक जैसे नहीं हैं इस प्रकृति में एक जैसी कुछ भी चीज़ें नहीं हैं आज तक अरबों खरबों इंसान पैदा हो गए इस धरती के ऊपर क्या आने वाले समय में अरबों खरबों पता नहीं कितने और पैदा होंगे क्या कभी दो इंसानों की फिंगरप्रिंट कभी मिली हर बार प्रकृति नया बनाती है करोड़ों लोग रोज़ मरते भी हों लाखों तो मरते ही हैं और लाखों जन्म लेते हैं तो क्या दो इंसानों की कभी फिंगरप्रिंट मिली तो हर बार नया ही आएगा तो प्रकृति हर बार नया बनाती है कोई भी चीज़ रिपीट नहीं की जा सकती और आपका डीएनए किसी से मिलता है तो बस तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप दूसरों जैसे हो सकते हो क्या दूसरे आप जैसे हो सकते हैं नहीं। क्या इस दुनिया में दो भगत सिंह है नहीं। क्या दो महात्मा गांधी हो सकते हैं दो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं अगर दूसरा डुप्लीकेट नरेंद्र मोदी पैदा हो जाए तो वो कैसा रहेगा कैसा लगेगा उसके अंदर वो काबिलियत नहीं होगी काबिलियत हो भी नहीं होगी और डुप्लीकेट को कोई चाहेगा ही नहीं तो हम फिर दूसरों से जैसे कैसे हो सकते हैं या दूसरों से तुलना कैसे कर सकते हैं जब आग और पानी की धरती और आकाश की तुलना हो ही नहीं सकती तो हमारी तुलना दूसरे इंसान से हो ही नहीं सकती चाहे कोई भाई बहन हो जुड़वा भाइयों की तुलना आपस में नहीं हो सकती तो कोई भी दो इंसान इस दुनिया में एक जैसे नहीं है तो तुलना करने का तो मतलब ही नहीं है आपके अंदर जो काबिलियत है वो दूसरे किसी इंसान के अंदर मिलती नहीं है आपकी शकल किसी से नहीं मिल सकती है आपके बाल दाढ़ी के बाल शरीर की बनावट विचार कुछ भी नहीं मिल सकता है स्टीफन आर कवे ने एक आदत बताई है सिनर्जी उस उसने एक बात लिखी है उसमें कि डिफरेंसेस में ही स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेंथ लाइज इन डिफरेंसेस जो विभिन्न चीजें हैं उनमें ही ताकत होती है एक जैसी चीज़ों में कभी ताकत नहीं होती अलग अलग चीज़ें हैं इस दुनिया में तभी ये दुनिया खूबसूरत है अब देखो सारे डॉक्टर होते तो सारे इंजीनियर होते तो सारे एक जैसे होते तो हाँ तो सारे मीठा ही मीठा होता तो फिर कोई बच पाता मीठा है तो जो कड़वा है उसकी भी वैल्यू है कड़वा है तो मीठे की वैल्यू है तो मीठा कभी कड़वे से तुलना करता है यार मैं तो कड़वा हूँ तू मीठा है कभी नहीं करते ना क्या दो फल कभी तुलना करते हैं कभी अमरूद आम से तुलना करता है अमरूद कहता आम को जाके यार तू तो बड़ा रसीला है महंगा है मुझे कोई पूछता ही नहीं है कभी नहीं कहता अमरूद अपने में खुश है अपनी प्रकृति में खुश है आम अपनी प्रकृति में खुश है आम अमरूद को जाके नहीं कहता अभी तू तो है ही खट्टा साहब मेरी तरह देख रसीला बन कभी नहीं कहता वो अपनी मोज के अंदर खुश है गधा अपनी मोज में खुश है घोड़ा अपनी मोज में खुश है इंसान ही है जो दूसरों की मौज की तुलना करता है कि वो मौज में है वो मज़े में है हम वैसे ही दुखी होते रहते हैं तुलना कर कर के तो तुलना करने का सवाल पैदा होता ही नहीं है तो हाँ जी आपने देखा हाँ हाँ जो तो हो। हाँ 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 छुई मुई का पौधा होता है वो हाँ हाँ वो अलग है तो, तो, तो वो अलग होता तो है हाँ वो अलग तो है देखो पौधों के अंदर चेतना होती है सेंस होती है वो वाइब्रेशन को पकड़ते हैं हम क्या सोच रहे हैं कैसे हमारे विचार हैं वो पौधों को भी पता चलता है तो हम इतना देखते नहीं है पौधों को इस वजह से या इतनी गौर से पौधों को नहीं देखते ना इसलिए नहीं पता होता तो अब आप देखो कि अब आपके मन में लग रहा है कि तुलना हो सकती है आपने देखा होगा कि रजिस्ट्री होती है प्रॉपर्टी की वो करोड़ों की होती है अगर उसकी फोटो स्टेट कर दें तो वो कितने की रहेगी एक दो रुपए की तो ओरिजिनल की कीमत होती है डुप्लीकेट की तो कीमत होती नहीं है उसकी तो कीमत कोडियों की है तो आप ओरिजिनल हैं आपकी कीमत है आप किसी दूसरे जैसे बनेंगे तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी होगी ना तो कीमत कितनी होगी आपकी फिर दो कोटी की तो इसलिए आपकी ओरिजिनलिटी की कीमत है आप आप हो वो वो है ना वो आपसे अच्छा है ना आप उससे अच्छे हो ना वो आपसे कम है ना आप उससे कम हो तुलना का सवाल ही नहीं है वो अपने नेचर में खुश है आप अपने नेचर में खुश हो तो अपने स्वभाव में जीना है कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि खुद के धर्म में मरना श्रेष्ठ कर है पर धर्म में जीने की बजाय खुद के धर्म में मरना श्रेष्ठ कर है दूसरे के धर्म में जीने की बजाय तो खुद के स्वभाव में या खुद की नेचर में खुद की मोज में अगर आप मर भी जाते हो वो भी अच्छी बात है अलबत् आप दूसरे के धर्म में जीते हैं उसे अपनाते हैं तो दूसरे का धर्म ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वो है उसकी प्रकृति उसकी नेचर उसकी नेचर या उसकी कॉपी नहीं करनी है तुलना नहीं करनी है तो कृष्ण ने इस श्लोक में ये बताया कि आपका स्वभाव आपका है आपकी नेचर आपकी है आपकी प्रकृति आपकी है उसमें मर जाना नहीं श्रेष्ठ करें आप पैसे ना कमा पाए अपनी खुशी में मर गए वो श्रेष्ठ करें अगर आपने दूसरे को कॉपी किया या तुलना करके आपने पैसे भी कमा लिए उसमें अगर आप जीवन यापन भी कर देते हो प्रतिष्ठित भी हो जाते हो वो भी मरने से भी बदतर है ये कृष्ण कह रहे हैं भागवत गीता के अंदर तो आज के बाद कभी भी क्योंकि तुलना दुख है अगर आप तुलना करोगे किसी से या तो आप उससे खुद को कम पाओगे तब उदासी घेरेगी डिप्रेशन घेरेगा और इन इनप्योरिटी कॉम्प्लेक्स लगेगा ना कि यार मेरे पास तो कम है अगर आप तुलना अपने से छोटे से करोगे तब लगेगा यार मैं तो सुपीरियर हूँ मेरे पास तो बहुत कुछ है इससे आपके अंदर अहंकार आएगा ईगो आएगा कि आज आए हम बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले बस वो थोड़े दिनों बाद में आपसे कोई बेहतर मिल जाएगा फिर आप उदास हो जाओगे फिर आप किसी से बेहतर हो जाओगे खुश हो जाओगे ऐसे चलता रहेगा नहीं तो अगर तुलना के इस भंवर से ही निकल गए तो फिर खुशी खुशी अब देखो साधु महात्मा क्या बुद्ध की तुलना महावीर से हो सकती है महावीर महावीर है बुद्ध बुद्ध है बाकी बाकी है तो हम दूसरे इंसानों की तुलना करते हैं एक तो होता है ना हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं या कुछ लोग आते दूसरों की तुलना तीसरे से भी करते हैं वो भी परेशानी का कारण है कि वो देख बिल्कुल बर्बाद हो गया वो देख उसका भाई कामयाब हो गया वो देख कुछ नहीं है ऐसे तुलना करने में भी कभी भी समय जाया ना करें तो तुलना ना तो करनी है ना करवानी है जो आपकी तुलना दूसरों से करता है इंसान तो उस इंसान का साथ छोड़ देना क्योंकि वो तो जहर में या नरक में जी रहा है वो आपको और वो बीमारी लगा देगा तुलना की तो जो इंसान तुलना करता है कि वो फला दोस्त अच्छा है वो अच्छा है उसके पास तो ये है तू तो ऐसा नहीं है तो उसका साथ छोड़ दो कि वो आपको ढालने की कोशिश कर रहा है आप उसके अनुसार ढल जाओगे तो अपने आप से टूट जाओगे तो ऐसे लोगों से दूर रहना जो तुलना करते हैं और खुद भी तुलना करनी नहीं है तो बताओ दीपक जी क्या समझे और अब तुलना का भूत गायब भैं, भैं, वो, वो, भैं। तुलना का भूत गायब हाँ तो आप पैसे के मामले में भी तुलना नहीं कर सकते आप देखो किसी के पास अच्छी गाड़ी है वो क्या करेगा किसी के पास मर्सिडीज है उसके पास दूसरी बी एमडब्ल्यू है उससे तुलना करेगा वो आप दुखी हो रहा है उनसे तुलना कर करके आप उनसे तुलना कर रहे हो कि मेरे पास है नहीं वो तुलना उससे कर रहे हैं मस्टीज़ वाले तुलना कर रहे हैं किसी और कोई बुगाटी पता नहीं कितनी महंगी होगी जो रॉयल्स रोयस गाड़ी है उससे तुलना कर रहे होगी हमारे पास तो रॉयल्स रोय होनी चाहिए अब जिसके पास रॉयल्स रोए है वो और तुलना कर रहा है कि मेरे पास तो एक ही है ओसो के पास तो छियानवे रॉयल्स रोयस थी छियानवे वाले कहते हैं कंपनी हमारी होनी चाहिए कंपनी वाले कहते हैं सारे विश्व के ऊपर हमारा ही राज होनी चाहिए हमारी गाड़ियाँ बिकनी चाहिए तो कोई भी इंसान खुश तब तक नहीं रह सकता जब तक वो तुलना के जहर से मुक्ति नहीं पा लेता तो तुलना जहर है ये विष है ये वायरस है माइंड का अब देखो कितना बड़ा कंप्यूटर होता है ना कितना फास्ट काम करता है तो है हाँ, तो अब देखो करोड़ों का कंप्यूटर कंप्यूटर सुपर उसमें एक छोटा सा वायरस आ जाए तो उसको सारा खराब कर देगा हैंग कर देगा तो ये तुलना आप करोड़ों के हैं लेकिन इसमें ये वायरस घुस गया ना तुलना वाला तो आप जीरो हो जाओगे आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा वायरस आते ही कंप्यूटर हैंग होता है ना मोबाइल हैंग होता है तो तुलना यहां आएगी ना माइंड में तो ये माइंड भी हैंग हो जाएगा माइंड हैंग होने की क्या निशानी है भूगना लगना उदास रहना चिड़चिड़ापन आना नींद न आना और बस चेहरे से हवाई उड़ी रहना इंटरेस्ट सब चीज़ों में कम हो जाना नहाने को मन नहीं करना उठने को मन नहीं करना दूसरों से बातें करने में मन ना करना तो ये है कि आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है वायरस आ चुका है तो अब एंटीवायरस की ज़रूरत है एंटीवायरस के लिए हमने वो पाँच रिग्रेट भी जान लिए थे ये प्रोग्राम है ये एंटीवायरस का ही प्रोग्राम है कि आपने एंटीवायरस इंस्टॉल करने हैं अगर आपने ये इंस्टॉल कर दिए तो वायरस बाहर तो कंप्यूटर पहले की तरह काम करने लग जाएगा तो बस ये तुलना वाली बात अब आपने याद रखनी है तुलना हो ही नहीं सकती है ना कॉपी हो सकती है ना कंप्लें की जा सकती है दूसरों से ये पाँच सी है जिसमें एक तो है कम्पेरिजन एक है कॉपी एक है कम्पैशन एक है कम्पलन और एक है क्रिटिसिज्म। इन पांच सी से आप बच जाइए डिप्रेशन से बच जाएंगे ये पांच सी जिस इंसान के अंदर है वो इंसान बीमार ही है पांच सी कौन कौन से हैं कंपैरिजन, कॉपी कंप्लेन क्रिटिसिज्म और कंपैशन बस ये पांच सी ये जहर हैं ये माइंड के जहर हैं जो आप देखो जो इंसान खुश है क्या वो तुलना करता है दूसरे से और वो क्या कॉपी करता है दूसरे की और क्या वो दूसरे की क्रिटिसिजम करता है वरना लोग देखोग सड़क पर चल रहे हैं यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़कें सड़कों के अंदर गड्ढे ज़्यादा है गाड़ियाँ कम है इस देश का कुछ नहीं हो सकता भारत का कुछ नहीं हो सकता मोदी की सरकार ये कांग्रेस की आ जाएगी कांग्रेस की सरकार ये सरकार को तो गाली निकालनी निकालनी है उनकी गालियों से कोई नहीं बचता है घर वालों को पहले पकड़ लेते हैं घर वालों की बंद होती है पड़ोसियों को पकड़ लेते हैं पड़ोसियों की बंद होती है वो राजनीति को पकड़ लेते हैं तो जो इंसान क्रिटिसिज्म करता है ना क्रिटिसाइज करता है आलोचना करता है किसी इंसान की वो इंसान कभी कामयाब भी नहीं हो सकता और खुश भी नहीं रह पाएगा तो कॉपी नहीं करनी क्योंकि कॉपी की कोई कीमत नहीं होती कंपैरिजन आप समझ गए क्रिटिसिज्म आप समझ गए और एक अगला था कंप्लेन कंप्लेन आप शिकायतें करते हो यहाँ पर अच्छी चीज़ें होंगी सो वो नहीं बात करेंगे वो कहेंगे यहाँ ये यह होना चाहिए था शादी में जाएंगे अगले ने पाँच लाख का खर्चा लगाया दाल में नमक कम था दो भी नमक ही कम था तू आलोचना ही कर रहा है तो नमक तो वहां पर रखा होता है डाल दे बस जाएंगे इसमें यह नहीं था उसमें वो नहीं था उसकी कभी तारीफ नहीं करके आएंगे आपने अरेंजमेंट बेस्ट किया खा करके मजा आ गया उसको दो चार शिकायतें जरूर कहेंगे दारू नहीं मिली ये नहीं मिला वो नहीं मिला मेरे को वहां बैठने के लिए नहीं कहा किसी ने लोग जाते हैं कई बार तो कहते हैं हमें तो बिठाया ही नहीं पानी नहीं पिलाया नहीं होगी ऐसी ऐसी बातें करता है ना जो इंसान जो इज्जत का भूखा है समझ लो वो भिखारी है जिस इंसान को इज्जत मांगनी पड़ जाए वो भिखारी इंसान है मुझसे कोई इंसान इज्जत मांगता है या कहता है भी आपने जोधपुरिया जी इज़्ज़त नहीं की ये नहीं किया वो नहीं किया तो समझ लो कि वो भिखारी है क्योंकि भिखारी मांगा करते हैं वो राजा तो हमेशा दिया करता है तो अगर आप मांगते हो ना कि लोग मुझसे प्यार नहीं करते लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते तो समझ लीजिए कि हम भिखारी हैं तो भिखारियों को तो जितनी इज्जत मिलती है उतनी मिलती है तो अब से हमने क्या करना है भिखारी नहीं बनना है राजा बनना है हां देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए मांगने की ना हो कभी भी जो मांगता है ना वो इंसान हमेशा गुलाम मानसिकता का इंसान होता है अब मैंने बहुत सारी औरतों को देखा कहता हमारा पति प्यार ही नहीं करता पति प्यार कर धक्के से होता है प्यार में भी कोई धक्का होता है आपका हाथ में है अभी आप प्यार करो बस उम्मीद इसलिए करेंगे प्यार भी हम इसलिए करेंगे कि सामने वाला करेगा ने कहा आपके हाथ में अपना प्यार है दू, दूसरा आप करे ना करे उसकी मर्जी है ये भी सौदाबाजी व्यापार होता है सबसे कहीं मैंने देखा है पर रिश्तों में व्यापार होता है रिश्तेदारों के साथ इसलिए जाएंगे हम कि रिश्तेदार हमारे आएंगे तो मेरे पिताजी और घर वाले ना किसी के डेथ हो जाती है अब डेथ होगी तो वहाँ जाते हैं ना अब मैं तो कभी जाता ही नहीं डेथ में भी नहीं जाता शादी में भी इंजॉय होता है तो चला जाता हूँ मेरे को कहते हैं तू मेरेगा जब कौन आएगा हम मर जाएंगे जब कौन आएगा मैंने कहा भी लोगों के हम जाते इसलिए कि हम मर जाएं तब आए याद होगी ऐसे इसलिए जाते हैं कि हम मरेंगे तब हमारे को ना आएगा तो आप तो मर जाओगे क्या लेना देना है जब मैं मरूंगा तो ना आए चाहे ना आए क्या लेना देना है नहीं, हाँ लोग भी इसलिए रिश्ते बनाते हैं कि हम मरेंगे तो इतने लोग आएंगे हम मरेंगे उतने लोग आए वह तो ही, वो तो है कोई कमाई है। इतने लोग, आए, लोग आए उतने लोग आए इस चीज में बसे हुए लोग तो छोटी छोटी बातों में बसे हुए घर वाले ऐसे करते हैं मैं कुछ नहीं कहता उनको मैंने कहा भी तुमने जाना है तुम मरोगे तो आप लोग जा रहे हो मैं मरूंगा तो वो लोग आ ही जाएंगे शादी में आप लोग जा रहे हो तो फिर कहते हैं लोग कि शादी में आया नहीं मैंने कहा भी मुझ फिर कहते हैं भी वो जो पैसे पूसे पुवाने वो पवा दिया करो आया मत करो जो मैंने कहा देखो शादी में बुलाते इसलिए भी पैसे आ जाएँ चार <laughs> आद होगी मैं तो देखे भी नहीं आता कई बार सीधा आ जाता हूँ फिर जोधप्रिया जी आता तो बड़ा टाट वाट से देखे ही नहीं गया तो उस इंसान से मैं वास्ता भी नहीं रखता इसलिए मेरे रिलेशन कम है मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ मान लो यूट्यूब के ऊपर सब कुछ अच्छा है लेकिन मेरा समाज में उठना बैठना बहुत ही कम है सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों से भी नहीं है क्योंकि अब देखो कि लोगों की अपेक्षाएं मुझसे अलग होती है मैं कभी किसी की अपेक्षाओं को पूरा करता नहीं हूं कि लोग मुझसे अपना काम नहीं निकलवा सकते लोग कहें कि जो प्रिया जी काम आ जाएंगे ये कर देंगे वो तो मनमोजी है हम तो अब मूड है तो काम आ जाएंगे जैसे कुछ एक दोस्त हैं जो जान मुझ पर छिड़कते मैं भी छिड़कता हूँ वो तो है ही है लेकिन बाकी लोग मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते वो भी मैं बाजार में गया हूँ फ़ोन करके कह दे वो सामान ले आना भाई अपने पास टाइम नहीं है तुम्हारा सामान तुम ले आओ हम तो घर को घर वालों का सामान नहीं ला के देते पड़ोसियों का क्या ला देंगे मैं घर में बहला हूँ कहते आया चलते हैं वहाँ चलते हैं मेरे को ये काम करा दे नहीं 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 नो कहना आना चाहिए ज़िंदगी में हमसे कोई काम ले नहीं यूज़ नहीं कर सकता लोग कहते हैं हमें दूसरे इस्तेमाल कर जाते हैं हमारी बेजती कर जाते हैं हमें लोग ठग लेते हैं कोई नहीं ठग सकता किसी को जब तक हम ठगे जाने का चुनाव ना कर लें तब तक हमें कोई ठगी नहीं सकता ये मैं लिख के दे रहा हूं कोई इंसान दूसरा ठगी नहीं सकता लड़कियां ये कई बार कहती है हमारी तो इज्जत लूट ली जब तक हम अपनी इज्जत लुटवाना लुटवाना ना चाहें तब तक कोई आँख उठा के नहीं देख सकता कभी भी इतनी पावर होती है इंसान के अंदर तो गलती हमारी होती है थोपते दूसरे के ऊपर तो इसलिए राजा बन के जीना है भिखारी बन के नहीं, नहीं जीना राजा के गुण अपने अंदर लेके आने हैं बस क्या समझे दीपक हाँ तो आज से राजा हैं या भिखारी है हाँ तो ये ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करो फिर रिश्ते अच्छे बनेंगे फिर जो बच जाएंगे रिश्ते वो अच्छे वाले बचेंगे जो खराब वाले हैं वो निकल जाएंगे जो खराब रिश्ते हैं निकल जाएंगे अपने आप जो खराब लोग हैं आपके जीवन से हट जाएंगे जो कुछ अच्छे लोग हैं वो बचेंगे खराब लोग भीड़ का क्या करना है भीड़ का आपने करना भी क्या है भीड़ थोड़ी ना आप बनिए लीड तो एक ही होता है भीड़ थोड़ी ना भीड़ भीड़ नहीं बनना बस ये एम की बातें लग रही होंगी वो हाँ। बात तो वैसे ही करते हैं वो भी, है। तो है वो भी। लेकिन उनका प्रैक्टिकल नहीं होता है वो बात तो ना, ना ना देखो भला करना मैं ये नहीं कहता नेकी कर दरिया में डाल लोग भला इसलिए करते हैं कि दूसरे हमारा भला करेंगे बात होगी भला करना आपको अच्छा लग रहा है करो दूसरे से उम्मीद क्यों रखते हो वो भला करेंगे हाँ लोग कहते हैं मैंने ना उसको लाख रुपए दिए थे उसने मुझे दिए ही नहीं मैंने कहा अभी तब तूने दिए इसलिए थे कि मुझे वो देगा अब मैंने जिनको पैसे दे दिए मैंने भी दिए मैंने वो आज तक फ़ोन करके नहीं कहा भी मेरे पैसे वापस दे दो मैं मांगता ही नहीं मैं देता हूँ इसलिए हूँ आएंगे नहीं वापस डाल दिए अब नहीं देगा तो वापस भी नहीं मांगता और कभी भी उसको कुछ भी हो जाता मैं दोबारा एक रुपया ही नहीं देता खरा इंसान हो एक रुपया चाहे कुछ भी हो जाए एक रुपया नहीं दूंगा इस इंसान को जिस इंसान का व्यवहार नहीं है क्या उसे देंगे एक बार में इंसान का पता लग जाता है बस मेरे को पता लग गया अकल आ गई तो इंसान की परख आ गई और बहुत सारे मेरे फंडे अलग ही हैं तो इसलिए ऐसे लोग अपने आप धीरे धीरे हट जाएंगे कोई भी इंसान हो बस नो कहना आना चाहिए मना करना आना चाहिए मना करना एक स्किल है स्किल है सीखना पड़ता है लोग मना नहीं कर पाते अब ना कहना आना चाहिए भी अपनी शांति भंग करके हम दूसरों का भला नहीं कर सकते भी हम खुद परेशान होते रहेंगे दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सौदेबाजी है अब लोग क्या करते हैं भाई अब मेरा बटुआ गिर जाता है दूसरा इंसान उठा के पकड़ा देता है अच्छी बात है अगर मैं उसे धन्यवाद ना कहूँ उसे बुरा लगेगा उसने धन्यवाद ही नहीं कहा हम ईमानदारी भी इसलिए करते हैं कि कोई धन्यवाद कहे जिसको धन्यवाद की उम्मीद नहीं है वो इंसान है तो हमने जो ईमानदारी दिखाई धन्यवाद के लिए दिखाई कि कोई अखबार में फोटो आएगी लोग जय जयकार करेंगे लोग आजकल मैंने देखा जैन मुनि ये लोग उपन्यास रखते हैं ये करते हैं फोटो दिखाते हैं उपन्यास किए देखो उपन्यास किए तो इसमें दिखाने की क्या जरूरत है ये तो जी है बिजनेस है व्यापार ही होते हैं सब जिसने काम करना है अच्छा काम करना है उसको दिखाने की क्या जरूरत है लोग दान भी इसलिए देते हैं मेरी नंबर प्लेट लगेगी नाम बोला जाएगा ये बोला जाएगा तो सब कुछ ये फेक है सब झूठ है भ्रम है कुछ नहीं है इन बातों में कुछ नहीं है तो चलो बातें अपनी ख़त्म नहीं होगी मेरे को अर्जेंट वर्क है यही स्टॉप करना पड़ेगा